आम खाने वाले सावधान, आम में है जहर। चीनी पुड़िया ने आम को बनाया जहरीला। चीनी पुड़िया से पके आम मत खाना। चीन से आई जहर की पुड़िया, ये आम खराब कर देगा आपकी सेहत। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीत। करेंगे बात आज रोग फल की। जी हां, रोग फल इसलिए क्योंकि इन फलों को खाने से आप निरोग नहीं होते बल्कि कई बीमारियों से घिर जाते हैं, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी शामिल है। फल इन बीमारियों को लेकर नहीं पकते हैं बल्कि फलों को बेचने वाले इन्हें रोग फल बना दे रहे हैं। ज़्यादा मुनाफा और जल्दी पकाने के चक्कर में फलों के व्यापारी इन फलों को किस तरह जहरीला बना रहे हैं, यही आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट विजन मिश्रा साहब, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अमिताभ, और मेरठ से मेरे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हंसराज जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आप तीनों से भी सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे बचें, क्या बीमारियां होती हैं, क्या रास्ता है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन आमों को देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा क्योंकि आम का स्वाद और उसकी मिठास का कोई जवाब नहीं होता। आम का सीजन भी आ चुका है और आम बाजार में पहुंच भी गया है। पेटियों में पैक हो रहे ये आम बस तैयार हैं आपके पास पहुंचने के लिए। लेकिन इस बार आम खरीदने से पहले आप न्यूज स्टेट की ये रिपोर्ट ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कि इन पेटियों में आम नहीं बल्कि जहर है, मीठा जहर जो आपको बीमार बना देने के लिए काफ़ी है क्योंकि ये आम केमिकल से पकाए जा रहे हैं। ये दिल्ली की आज़ादपुर फल मंडी है। कच्चे आम को कार्बाइड मिलाकर पकाया जाता रहा है। सरकार ने कार्बाइड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है लेकिन मिलावटखोरों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाले अब कार्बाइड से आम नहीं पकाते बल्कि अब तो वो चीनी पुड़िया का इस्तेमाल करते हैं। चीनी पुड़िया यानी एथिलीन रैपनर के एक पैकेट को आम की पेटी में डाल दिया जाता है जिसके बाद 3 से 4 दिन में ये आम पक जाते हैं। आम की पेटी में चीनी पुड़िया मिलाने वाले ये दावा कर रहे हैं कि ये सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसमें यह चाइनीज पुड़ी डाली जाती है, इसमें ये डालने से आम पक जाता है, भिगो के आम पक जाता है। कितने दिन में पक के तैयार हो जाएगा? 3 दिन में। चाइनीज पुड़िया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है? नहीं। हमारे साथ और भी यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, हम सभी से पूछेंगे कि आखिर तरीका है यहाँ पर आम को पकाने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पेटी पैक कर रहे हैं साथ में पकाने का सामान भी इसमें डाल रहे हैं, तो क्या डाल रहे हैं आप इसमें? इसमें चाइनीज पुड़िया डाल रहे हैं तो इससे 3 दिन में बढ़िया पक जाता है, इसमें कोई हानिकारक नहीं है। लेकिन डॉक्टरों की राय इनसे जुदा है। जो आप चीनी पुड़िया की बात कर रहे हैं ये और कार्बाइड, एक्चुअली ये सब एक ही तरीके की चीज़ें हैं क्योंकि इनका जो कार्य प्रणाली है वो ये है कि फ्रूट को नेचुरल प्रोसेस से ना पका के जल्दी पकाते हैं। तो जल्दी पकाने में अगर आप किसी भी चीज़ का एक शॉर्ट रूट लेंगे, एक छोटा रास्ता अपनाएंगे, तो उसमें फिर आपको उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने पड़ेंगे। तो ये चीनी पुड़िया भी ऑलमोस्ट सेम ही उस पर काम करती है कि फ्रूट को जल्दी पकाएं और जो जल्दी पकेगा उसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे। एथिलीन फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है लेकिन इसका एक सेफ तरीका होता है। नियम के मुताबिक एथिलीन चेंबर में एथिलीन गैस के इस्तेमाल से फल पकाए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 ppm की सीमित क्षमता पर। लेकिन मंडियों में एथिलीन राइपनर के पाउच सीधे फल की पेटी में डाले जा रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि बिना एक्सपर्ट की मौजूदगी और सुरक्षा के मानक को दरकिनार कर आम की पेटियों में एथिलीन की पुड़िया क्यों डाली जा रही है, तो इनका जवाब सुनिए। सर, पकाया तो जा रहा है मगर ये बताइए फिर इसे नहीं लगाएंगे तो और काय से पकाएं? फिर जनता में भी तो देखना है। ऐसे नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस किस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल कर इन कच्चे आमों को आप पकाते हैं? सर, केमिकल कार्बेट होता है, अरे के चाइनीज पुड़िया है, इन दो चीज़ों से पकाया जाता। जब इनसे नहीं पकाएंगे तो फिर कैसे पकाया जाएगा? और ये जो मसाला है ये पूरी तरह से कार्बाइड, जो मसाला आप कहते हैं ये पूरी तरह से बैन हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी आपने बताया कि कार्बाइड से हम आम को पका रहे हैं चाइनीज़ पुड़िया से, तो लोगों के लिए कितनी हानिकारक है? बैन हुई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
फिर सर काय से तैयार किया जाए ना, ये पूछना चाह रहे हैं। सुना आपने, ये जानते हुए कि ये पुड़िया लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली है, फिर भी इसे आम में मिलाया जा रहा है। दिल्ली से दीपक त्यागी, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हंसराज सिंह साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जब हमने ये पूछा उससे कि इसका इस्तेमाल करते हो, इस पर रोक है, तो उसने कहा कि आप हमें बता दीजिए हम कैसे पकाएं, इसका इस्तेमाल हम ना करें तो क्या करें। तो क्या ये मजबूरी है कि पेड़ पर आम नहीं पक सकते, और भी तमाम मुश्किलें उनके सामने? जी आवाज मिल पा रही है आपको हंसराज जी? नहीं, आप मिल रही है, पूरी मिल रही है। हंसराज जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आवाज मिल रही है, जब हमने उससे ये पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हैं, ये प्रतिबंधित है, तो उसने कहा कि और हम कौन सा रास्ता अपनाएं, हम कैसे करें जी? तो क्या ये इसके सामने मजबूरी है जी? एक जो 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 लोग फल विक्रेता हैं। नहीं, मजबूरी तो नहीं, ऐसा करते हैं कि फल जो फल होता है, फल की रैपनिंग प्री रैपनिंग स्टेज में तोड़ देते हैं, जिससे उनको विकल्प मजबूरी होती है, क्योंकि जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी कि आप उसको जो पाल में डालते थे, भूस में डालते थे, या आपका उसमें पुआल के बीच में रखते थे, या उसमें ढक के रखते थे, तो उसमें क्या होता था कि जब फल नियर टू रैपनिंग आता था तब तोड़ाई करते थे। आजकल जो फल जो है प्री रैपनिंग या जो अर्ध पक्का अवस्था में ले आते हैं, और उनको इसलिए तोड़ देते हैं कि नेचुरल जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जब आपका आंधी आया, तूफान आया, उससे क्या करते हैं बचाव के लिए, पहले आम तोड़ लेते हैं। और जो कार्बाइड है या इथिलीन है, कार्बाइड का प्रयोग तो बिल्कुल प्रतिबंधित है, क्योंकि ये जान रहे हैं जैसा कि अभी आपने बताया है कि विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, कैंसर जैसे बीमारी का प्रकोप इसी से होता है, तो इसमें इथिलीन थोड़ा सा सेफ है, लेकिन उतना सेफ नहीं है, क्योंकि कोई भी केमिकल्स जो है इस समय उतना सेफ नहीं होता है, तो उसकी तो मजबूरी होती है, जो उसको क्या होता है कि मार्केट में लाना पड़ता है, और मार्केट में जल्दी आया है तो उसके उसकी जो है मार्केट प्राइस मिलती है, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं इसके अलावा। ठीक है भंसराज जी, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक बात तो तय है कि ये चाइनीज पुड़िया ने कब्जा कर लिया पूरी तरीके से मार्केट पर। आपके विजन मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे आम उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहचानना कि कौन सा फल हमको कंज्यूम करना चाहिए और किस ढंग से करना चाहिए, और कौन सा फल को हमको कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हानिकारक है। इसका जागरूकता स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर है, स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व भी है। स्टेट जो फूड अथॉरिटी होते हैं उनका काम है कि फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक इसका विकल्प एक निकालना चाहिए कि किस ढंग से फार्मर को सही प्राइसिंग मिले, जो डीलर है उनको भी सही प्राइसिंग मिले, और कंज्यूमर को कम से कम पैसे में रियली फ्रेश फ्रूट्स खाने को उपलब्ध हो, और यदि फ्रेश ना हो तो प्रोसेस्ड हो सही ढंग से, जो साइंटिफिकली प्रोसेस होकर डिब्बे बंद में बिक्री हो, ताकि लोग एक प्रिजर्वेटिव के साथ जो अलाउड है उसको लेते हुए अपना कंज्यूम कर सके। आज क्या हो रहा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कितने लोग डिजीज से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनको उनको मालूम ही नहीं है, कंज्यूमर को मालूम ही नहीं है कि इससे हमको क्या हानिकारक हानि होंगे। और जो डीलर्स, जो ये चाइनीज पुड़िया जो नाम हो गया है, जो चाइना से इतने भयंकर रूप से इंपोर्ट हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कर क्या रहा है। इस ढंग के इलीगल इंपोर्ट्स कैसे अलाउ कर रहे हैं, जबकि ये केमिकल्स बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए हमारे देश में, और हम और इतने धर्रे से अलाउड हो गया कि गांव गांव तक पहुंच गया हमारे उत्तर प्रदेश और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी लोग इस पे उत्तरदायित्व नहीं ले रहे हैं। ठीक है विजन मिश्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी जिक्र हो रहा है एथिलीन का या कार्बाइड का, ये पूरी तरीके से कार्बाइड प्रतिबंधित है, लेकिन एथिलीन का इस्तेमाल पूरी तरीके से हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें तो किसका इस्तेमाल करें, इसका मतलब ये है कि सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि इसके इस्तेमाल से जो लोग आम खा रहे हैं उनको कितना नुकसान होता होगा इससे।
डॉक्टर अमिताभ, आपको आवाज मिल पा रही क्या सर? डॉक्टर साहब आवाज मिल पा रही आपको? चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह कि इससे नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान की बात करेंगे, क्योंकि एथिलीन से पकाए गए आम किस हद तक आपके लिए खतरनाक हैं और इन आमों को खाने से किन किन बीमारियों का खतरा रहता है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एथिलीन से पकाए गए इन आमों को खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सरकार के प्रतिबंध के बावजूद कार्बाइड का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कार्बाइड के फल का व्यापार करने वाले एक और केमिकल का इस्तेमाल करने लगे हैं, यह है एथिलीन, जो चीनी पुड़िया के नाम से फल मंडियों में जानी जाती है। क्योंकि ये चीन से आती है इसलिए इसे चीनी पुड़िया कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से एथिलीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सेहत के लिए कतई ठीक नहीं है। इसको लेप कर दिया जाता है फ्रूट के साथ और फ्रूट को रख दिया जाता है, तो उससे फ्रूट के पकने में सहायता मिलती है। बट इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, इसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस नाम के तत्व होते हैं जो हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। और दूसरा, ये थोड़ा बेंजीन भी छोड़ता है जो पेनिट्रेट करती है फ्रूट की लेयर को और उसके साथ ही परसिस्ट करती है। तो जब भी हम ऐसे फ्रूट को कंज्यूम करते हैं उसके हमारी सेहत पे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। एथिलीन से पकाए गए आमों को खाने से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द, मूड खराब होना, भूलना, अनिद्रा, पेट में जलन, कैंसर और दिमाग में भी तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर फल को कार्बाइड से पकाया गया तो उसमें मौजूद विटामिन ए के लाभकारी गुण भी खत्म हो जाते हैं। पॉइजनिंग जो होती है इनकी, वो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सब में देखने को मिलती है। छोटे लेवल की जो पॉइजनिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, कि जलन होगी और बर्निंग के साथ हल्का पेन, डिस्कम्फर्ट, अल्सरेशंस इन द स्टमक, डीप अल्सरेशंस, और न्यूरोलॉजिकल इलनेस में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका हेल्थ पे उल्टा इफेक्ट है। और कुछ केसेस में, क्योंकि हैवी मेटल्स होते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक भी हैं, कैंसर के बनने में भी ये सहायता करते हैं। आम का सीजन जून में आता है, इसलिए जून से पहले बाजार में मिलने वाले पीले आमों को केमिकल से पकाए जाने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। केमिकल से पकने वाले आम की पहचान बहुत मुश्किल नहीं है। केमिकल से पके आम में खुशबू नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, इसलिए सूंघ कर भी पता लगाया जा सकता है। पीले आम में कहीं कहीं हरे धब्बे नजर आए तो समझ जाइए कि आम केमिकल से पकाया गया है। और सबसे बड़ी बात, केमिकल से पके आम के स्वाद में पूरी तरह मिठास नहीं होती। केमिकल वाले आम के बारे में जानकर आम खरीद रहे एक शख्स की प्रतिक्रिया सुनिए। जब ये इतना कार्बाइड और ये मसालों से पकता है तो ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो ये अच्छा नहीं होगा कि आम खाएं आगे से, तो इसको बंद ही करना पड़ेगा, जाता कि नहीं खाएं। केमिकल वाले आम पूरे देश में मिल रहे हैं, इसको लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी चिंता जता चुका है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली से दीपक त्यागी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और डॉक्टर अमिताभ, आपके पास सबसे पहले बिना समय गवाए आना चाहूंगा, जो बात लगातार उठ रही है कि बीमारियां कैंसर जैसी होती हैं, क्या ये एक तरीके से स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है? नहीं, देखिए, ये जितनी भी, चाहे आप ये कार्बाइड बोलें या ये मीठी पुड़िया करके, जो आजकल चाइनीज पुड़िया करके ये लोग राइपनिंग करते हैं फ्रूट्स की, ये सारा डेंजरस है, ये सारा ठीक नहीं है। इसमें जो कंपाउंड होता है वो कैल्शियम कार्बाइड होता है जो एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है। सो पहला इफेक्ट तो ये इरिटेंट होता है, तो चाहे ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे लगे, इसोफेजियल मतलब इसोफेगस में, स्टमक में, लंग्स में, जहाँ भी ये जाके टच करता है या इसकी वेपर्स टच करती हैं, वहाँ ये इरिटेंट की तरह काम करता है और पीएच डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है, जिसकी वजह से वहाँ फिशरिंग, अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि इसका जो एक्टिव कंपाउंड है वो एक एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है,
और उस गैस के प्रोड्यूस होने से उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे पड़ते हैं, जिससे स्लीप डिसऑर्डर्स, मूड डिस्टर्बेंसेज एंड सीजर्स एंड सो मेनी अदर डिस्टर्बेंसेज इन द सीएनएस दे हैपन बिकॉज ऑफ द एसिटाइलिन गैस। थर्ड इफेक्ट इसका जो होता है वो होता है आर्सेनिक और फॉस्फोरस की वजह से। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं आर्सेनिक और फॉस्फोरस जो हैवी मेटल्स हैं जिनका इफेक्ट कैंसर के कॉजेशन में भी माना गया है। आप देखें तो इसके कंजम्पशन से लिवर, लंग, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट और स्किन, ये 6 कैंसर हैं जिनमें इसका एक कॉजेशन माना गया है कि इन कंपाउंड्स को अगर हम कंज्यूम करेंगे एक लेवल के बाद तो एक कैंसर के डेवलप होने में ये शायद एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो इफेक्ट है वो ये है कि उपाय हैं क्या, क्योंकि बार बार लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे बचें कैसे, या तो खाना छोड़ दें और अगर खाएं तो इससे बचें कैसे। नहीं, इससे बचने के उपाय ये हैं कि पहली चीज़ तो रेगुलेशंस अगर अच्छे हों तो ये हमारे सिस्टम से दूर होना चाहिए जी। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम ये एक लंबा प्रोसेस होगा, डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमको इसको रनिंग वाटर में वॉश करना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये राइपनिंग एजेंट्स होते हैं ये सरफेस पे होते हैं, इनका पेनिट्रेशन बहुत पुअर होता है, ये बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं। तो हमको रनिंग वाटर में अच्छे से 1-2-3 मिनट तक इनको वॉश करना चाहिए, फ्रूट्स को, कोई सा भी फ्रूट हम खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको इनको पील ऑफ करके खाना चाहिए, मतलब कि छिलका उतार के खाना चाहिए, छिलके के साथ हमको फल नहीं खाना चाहिए, छिलका उतारें, उसके अंदर के पल्प को अलग करें और उसको खाएं। ये दो तरीके हैं जिससे हम आर्टिफिशियल स्वीटनर से या राइपनिंग एजेंट से थोड़ी मात्रा तक अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास, और भी कई सवाल हैं जिन पर आपसे बात होगी, क्योंकि लगातार उपभोक्ताओं के मन में, दर्शकों के मन में ये होगा कि क्योंकि रोज आम खाते हैं और ऐसे आम खाते हैं जो बीमारियां फैलाने का काम करता है। अब आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें लीची पर केमिकल पेंट का छिड़काव किया जा रहा है। लीची की अच्छी कीमत के लिए फल बेचने वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल लीची का रंग सुर्ख होने से उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है, इसलिए लीची पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लीची का रंग सुर्ख लाल हो जाए। लीची को सुर्ख करने के लिए लाल मेटलिक पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। लीची को लाल बनाने के लिए केमिकल वाले पेंट का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। जाहिर है इस तरह की लीची या दूसरे फल सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि ये वीडियो हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का है, लेकिन भारत में भी इस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल हो रहा है। और मेरे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हंसराज जी लगातार बने। हंसराज जी, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण और जल्दी से आपसे समझना चाहेंगे। एक तो कैसे ये पहचाने कि ये इसमें मिलावट है या इसमें ज़्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा क्या ये संभव नहीं है कि अच्छे आम या अच्छे फल उपभोक्ताओं तक पहुँचें। जी जी नहीं, इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि आम को जो उसका कलर होता है, कलर देख लें उसको, उस पर कोई स्पॉट नहीं है, और उसका जो साइनिंग है, कलर साइनिंग और स्पॉट होगा तो ये 100% सोचिए। और उसमें स्मेल जो सुगंध होती है, एक आम में खुशबू आती है, वो अगर ये सब चीज़ देखें तो उसमें देखें कि अगर पत्तियों उसमें फलों पर किसी तरह कोई धब्बा है या वो जो है ओवर साइज है या उसका जो है जो छिकल है वो किसी डिसकलर है, तो ये मांग चलिए कि 100% इसमें जो है केमिकल्स मिलाया गया है और केमिकल द्वारा पकाया गया है। तो सबसे अच्छा ये कि जो हमारे जो हमारी जो लाइकिंग होती है कि साइन जो चमकती चीज है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा ये चमकना तो चाहिए, लेकिन उसमें जो खुशबू है, उस पर जो छिक्कल होता है, क्योंकि छिक्कल इसमें सबसे बड़ा हार्मफुल होता है, जैसे अभी अमिताभ जी ने बताया कि कोई भी फल खाने के पहले उसको पहले प्रॉपर उसको वाश कर लीजिए ताकि वो केमिकल जो हट जाए, और अगर छिक्कल हटा देंगे तो ये चांसेस रहेगा कि केमिकल जो अंदर उसमें जो है जो पल्प है गुदा उसमें नहीं माफ करेगा। तो हमारे में आपको रोक रहा हूं सर, लेकिन एक सवाल बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहेंगे। आप जहाँ रहते हैं आसपास आप ये महसूस करते हैं कि अच्छा फल मिल रहा है, या आपको लगता है कि सबके सब मिलावटी हैं, सबके सब केमिकल से इस्तेमाल किए गए? नहीं, ऐसा है ना कि जो अगली वाले आ रहे हैं, आपको पहचान ऐसा होता है कि आम का सीजन तब नहीं, आम का सीजन अभी एक्चुअली आया नहीं। आम का सीजन उस समय होता है जब बली प्लस और बली बरसात हो जाती है, आम और जामुन उस समय पकता है, और इस समय क्या होता है कि जो प्री मेच्योर है उसको ले रहे हैं, तो ये 100% जो है ये या तो उसमें एथिलीन का है या जो आपका
कैल्शियम कार्बाइड का जो है जो कार्बाइड यूज कर रहे हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभिजान मिश्रा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो आम उपभोक्ता है जो इसका शिकार है वो अपनी लड़ाई कहाँ लड़े, क्योंकि आप ही जिक्र कर रहे थे कि ये बैन होने के बावजूद भी बिक रहा है, सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तो कैसे होगा ये सब? ये तो फिर तो सारी चीज़ें केमिकल वाली हैं और फिर वही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग। यूसी, पहले तो हम समझते हैं कि लोगों को जागरूक कराना बहुत ज़रूरी है जो नहीं है आज। आप उपभोक्ताओं से अपेक्षा कैसे रख सकते हैं जबकि उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसे हो रहा है। जब आप जैसे मीडिया जब इसको एक्सपोज करते हैं तब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को तुरंत इस पे एक्शन लेनी चाहिए और इस पे एक भयंकर रूप से एक अवेयरनेस क्रिएट कराना चाहिए जो नहीं हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, कंज्यूमर्स को ये शिक्षा मिलना चाहिए कि इस ढंग के जो फल जो बिक रहा है उसको कैसे हम बहिष्कार करें, कैसे हम उसको ना खरीदें, ताकि बाध्य करें फार्मर्स को और डीलर्स को कि सही आम जो फ्रेश हो उसको हम ले आए मार्केट में। अब आप देखिए कि कीमत को भी आप यदि देखें तो यदि नॉन राइप्ड को इस ढंग से राइप करके बेच रहे हैं तो कोई कीमत में तो कोई मतलब रिडक्शन तो हो नहीं रहा है। उन लोग उतने ही मुनाफा कमा रहे हैं जितने पहले भी कमाते थे जब यू नो नेचुरल प्रोसेस से वो लोग फार्मिंग करते थे। तो इसका मतलब एक ग्रीड आ गया लोगों के अंदर, एक मतलब एक इस ढंग का एक व्यापार में एक एटीट्यूड आ गया कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लें और कंज्यूमर को जितना हम यू नो बेवकूफ बना सके, जितना हम उनसे शोषण कर सके हम करें। तो इसका केवल एक ही रूप है कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना, उपभोक्ताओं का अधिकार को मनाना, सरकार को यूसी आगे बढ़कर इस उपभोक्ता संस्थाओं को उपभोक्ताओं को एक पहचान देना, ये उनको भी इस पे लाना है। उनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी नहीं काम कर रहा है तो आप नागरिक को इन्वॉल्व कीजिए, आप उनको इन्वॉल्व करेगा। बीच में आपको रोकना पड़ रहा है, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया विजन मिश्रा साहब, डॉक्टर अमिताभ जी और डॉक्टर हंसराज सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।